भाजपा का प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर गारंटियां पूरी न करने को लेकर लगातार घेराव किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने जिन गारंटियों के नाम पर सत्ता हासिल की, आज उन्हीं गारंटियों को दरकिनार कर जनता की सुख सुविधाओं को छीनने का काम किया जा रहा है। सुंदरनगर में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार सिर्फ अपने चहितों के लिए कार्य कर रही है और विकास कार्यों के नाम पर कर्ज लेकर प्रदेश को अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का और मुख्यमंत्री जी का हिडन एजेंडा है। उस एजेंडे में 5 गारंटियां उन्होंने पूरी कर दी। मित्रों को लाभ पहुंचाया, उनको एस्टेब्लिश किया। हिमाचल प्रदेश में चलने वाला प्रत्येक विकासात्मक कार्य, मैं प्रत्येक शब्द बोल रहा हूं, प्रत्येक विकासात्मक कार्य केंद्र प्रायोजित है, केंद्र की सरकार के माध्यम से चल रहा है।